खबर मेरठ के हसनापुर से है। एक युवक की मौत के बाद में यहां पर जमकर बवाल मचा है। आपको बता दें, हत्या के बाद में आगजनी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घरों और खेतों में आग भी लगा दी गई है। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरठ में हत्या के बाद आगजनी और तोड़फोड़ से यहाँ पर हड़कंप है। आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। कई जगहों पर आग भी लगाई गई है। परिजनों ने घरों और खेतों में भी आग लगा दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। किस तरह का ये पूरा मामला था, क्या वजह रही जब ये पूरी जो है वो युवक की मौत हुई, आखिर किन वजहों से हुई, क्या क्या जो तमाम बातें हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर आगजनी का मामला सामने आया। नईम सैफी मेरे साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। नईम, क्या बात सामने आ रही है, किस तरह का ये पूरा मामला था? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये कल रविवार में जो विशु है, एक स्कूल की दीवार के ऊपर बैठे हुए मैच देख रहे थे, तभी उस दौरान कुछ युवक बाइक पर आते हैं और इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां से इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। उसके बाद में इनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत के बाद में जो परिजन है, उन्होंने इनकी जो डेड बॉडी है उसको रख करके जाम लगाया और काफी हंगामा हुआ। देर रात काफी पुलिस फोर्स वहां पर आई, क्योंकि जो परिजन है उनका आरोप ये है कि इसको मारने वाले दूसरे समुदाय के लोग हैं और उन्होंने जानबूझ करके इसकी हत्या की है। जब इसकी इनकी क्या नाम विश्व को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आज सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद इनकी शव को लाया गया और अंतिम संस्कार के बाद में जैसे अंतिम संस्कार किया गया, तो फिर दोबारा जो मृतक पक्ष के लोग हैं उन्होंने हंगामा कर दिया और जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो उनके घरों पर तोड़। ठीक है नईम, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तमाम बड़ी खबरें आगे भी